नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सुहान एनर्जी के बारे में। शुक्रवार के दिन इसमें ना 5% का एक डाउन साइड देखने को मिला। डाउन साइड जाने का कारण क्या है तो इनका Q4 का रिजल्ट आया जिसमें ना 10% का ना प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पर। ये मार्केट को पसंद नहीं आया, इस वजह से दबाकर एक तरह से ना लोअर सर्किट देखने को मिला। अभी क्या किया जा सकता है तो देखिए, यहाँ पे ना शुक्रवार के दिन एक चीज़ और अच्छा देखने को मिला, वो है इनका ना डिलीवरी बेसिस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो डिलीवरी बेसिस कितना था तो 99.46% का डिलीवरी बेसिस है। और आने वाला जो हफ्ता है पूरा वोलेटाइल रहने वाला, मंडे ट्यूसडे के दिन, तो इसलिए हमको ना थोड़ा डाउन साइड देखना चाहिए जो है 500 रुपये से लेकर 550 तक का एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और एक लोअर सर्किट तो पहले से लगा दिया, तो एक अच्छा टारगेट अपसाइड में जो रहेगा ना 650 का है। अगर ये लेवल ना निकल जाता है तो शानदार मूवमेंट हमको ना देखने को मिल सकती है। तब ये कहाँ तक जा सकता है तो 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बात करूँ यहाँ पर, देखो जब डाउन साइड आ रहा था तो यहाँ से फिर दोबारा अपसाइड जा रहा था, मगर Q4 का रिजल्ट आ गया, इस वजह से ना थोड़ा दबाव देखने को मिला। मगर डिलीवरी बेसिस अच्छी है तो एक 2 दिन का जो मार्केट है मंडे और ट्यूजडे एग्जिट पोल और रिजल्ट को लेकर, तो थोड़ा डाउन साइड का यहाँ तक का रख लेते हैं और 550 से 500 तक का। फिर यहाँ से मूवमेंट जब बनाता है अपसाइड तो शानदार मूवमेंट हमको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब, कोई रिकमेंडेशन नहीं, चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।